कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू की आहट ने केंद्र सहित राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया है। देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में इसको लेकर एक अहम बैठक ली, जिसमें वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य को लेकर योजना भी तैयार की गई है। इस दौरान इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर को पोल्ट्री फार्म में रैंडमली चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। सभी कलेक्टरों को निर्देशित कर दिया गया है, जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करी जाएगी और अब उसी गाइडलाइन के हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गी में लक्षण पाए गए हैं, उधर से जो भी मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अधिकारियों को बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं, साथ ही सख्त लहजे में ताकीद किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आज ही मैंने समीक्षा की है, चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि ज़िले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहाँ से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं है, पूरी स्थिति पर हम नज़र रखे हुए हैं।